रक्षा करना सदा सहाय, आदि शक्ति माता जगदम्बे, ब्रह्मा विष्णु करे सहाय, ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाऊं, सब देवों को शीश झुकाए, रघुवीर की है ये विनती, भूल क्षमा मेरी हो जाए, कथा पुरातन है शिव जी की, सुनी जो हमने तुम्हें सुनाए, ज्योतिर्लिंग बारा में बैठे पूजा गा कर रही सुनाए, सोमनाथ में सोमेश्वर है। चंद्रदेव को दिया ब्याह, रोहन चंद्रदेव को प्यारी, 26 का होता अपमान, करी शिकायत अपने पिता से, सारा हाल कही समझ आए, सुनी वेदना राजा दक्ष ने, दामाद को अपने रह समझाए, समझाया पर समझ न पाए, पुष्टि होने का दिया है श्राप, देख दशा जब चंद्र देव की, देवगण गए ब्रह्म के पास, सब देवों ने किया दंडवत। शिव जी कोई उपाय, प्रभास क्षेत्र में जाए चंद्रदेव, करे महामृत्युंजय जाप, करी तपस्या चंद्रदेव ने, प्रगट भये हैं भोलेनाथ, एक पक्ष में प्रतिदिन बढ़ने का, दिया चंद्रमा को वरदान, हो प्रसन्न भोले देवों पर, सोमेश्वर बन बैठे नाथ, सोमेश्वर के दर्शन करके मिट जाते हैं सारे पाप, ज्योतिर्लिंग तुझा मल्लिक अर्जुन। चक्कर लगा के कार्तिक पहुंच गए पर्वत कैलाश, गणपति जी की हो गई शादी, नारद जी ने दिया बताए, रूठ गए हैं माता पिता से, पर्वत पहुंच में करे निवास, पार्वती को दुख हुआ है भारी, समझाते हैं भोलेनाथ, बोले शंकर देव ऋषि से, को लाओ बुलाए, समझाया पर समझ न पाए, देव ऋषि वापस आ जाए, पुत्र वियोग में माता पिता फिर। बहुत दुखी हो जाए पार्वती, भोले शंकर ने अपनी ज्योति दिया बिठाए, पार्वती का नाम है मल्लिका, अर्जुन नाम से भोलेनाथ, दोनों के ही नाम से भक्तों,
मल्लिकार्जुन ये कहलाए, दर्शन से धन धान की वृद्धि, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। ज्योतिर्लिंग तिज महाकालेश्वर, भोले बन बैठे महाकाल, नगर उज्जैन में एक ब्राह्मण घर। तपस्या ले वरदान, घेर लिया है नगर उज्जैनी, यज्ञ हवन का किया विनाश, जहां तहां उत्पात मचाया। गई प्रजा ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण ने सबको समझाया, शंकर जी का करके ध्यान, उसी समय फिर पापी दूषण, सेना लेकर पहुंचा जाए ब्राह्मण को। क्रोधित हो गए भोलेनाथ, करी गर्जना तब शिव जी ने। तू पास न आए, समझाया पर समझ न आया। शिव जी ने एक भरी हुंकार, भस्म कर दिया है दानव को। देवी देव करे जयकार, आज भी ऐसी है ये मान्यता, जो भी आते हैं नर नार, दर्शन से ही महाकाल के। होती नहीं मृत्यु अकाल, ओमकार चौथा ज्योतिर्लिंग, शिव शंकर ने दिया बना, एक समय देवऋषि नारद। विंध्याचल प्रकट हो जाए, खुशी से बोला नारद जी से, सुनो देव ऋषि मेरी बात, सारे पर्वत मुझसे छोटे, खुद को सर्वश्रेष्ठ बतलाए, सुनकर बातें विंध्याचल की। नारद जी बोले समझाए, सुमेरु पर्वत सबसे बड़े हैं, देवताओं संग पूजा जाए, सुनकर बातें नारद जी की। विंध्याचल मन में शर्माए, ऊंचा पद पाने की इच्छा। तत्पर लिया बनाए, किया तपस्या विंध्याचल ने, भोलेनाथ प्रकट हो जाए, प्रसन्न हुए हैं भोलेनाथ जी। विंध्याचल से बोले भगवान, विंध्याचल में प्रसन्न हूँ तुमसे, मांग लो जो चाहे वरदान, विंध्याचल बोला है भगवान, सबसे ऊंचा पद मिल जाए, सोच समझ के शिव शंकर ने दिया विंध्याचल को वरदान, शिव शंकर ने अपनी ज्योति।
पापों को मुक्ति मिल जाए। केदार स्वर पांच बजो तिरलिंग कथा सुनो ये ध्यान लगाए। नर नारायण कर शिव पूजन भोलेनाथ प्रकट हो जाए। हो प्रसन्न फिर भोले भगवन मन चाहा मांगो वरदान। नर नारायण बोले प्रभु से विनय सुनो ये भोलेनाथ। बस जाओ तुम सदा यहीं पर जन जन का कर में कल्याण। सुनी प्रार्थना भोलेनाथ ने संपत्ति मुक्ति मिल जाए। ज्योतिर्लिंग छठवा भीमेश्वर कथा सुनी जो तुम्हें सुनाए। लंका पति रावण का भाई कुंभकर्ण था बड़ा बलवान। कुंभकर्ण कर कटी का बेटा भीम राक्षस हुआ महान। अपने पिता का बदला लेने मन में लिया है भीम ने ठान। किया तपस्या ब्रह्मदेव की अन्न पानी का करके त्याग। प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी प्रगटे का। भक्त हुआ है बड़ा बलवान। काम रूप से छीन लिया सब उसको बंदी लिया बना। डाल दिया है कारागार में काम रूप कर शिव का ध्यान। ब्रह्मा विष्णु सारे देवता पहुंच गए भोले के पास। किया दंडवत सबने मिलकर पूजा करता था ध्यान। पता चला जब भीम दैत्य को पहुंचा काम रूप के पास। काम रूप से बोला दानव ये क्या करता है दिन रात। काम रूप बोला दानव से शिव जी का करता हूँ ध्यान। बोला दानव काम रूप से पूजा करो मेरी दिन रात। मना किया जब काम रूप ने दानव उठा लिया हथियार। जिस मूरत की पूजन करता भये हैं सिवित पुरार। मची लड़ाई फिर दोनों में करने लगे वार पे वार। एक फूक मारी भोले ने जल कर दैत्य भस्म हो जाए। सब देवों ने करी प्रार्थना यहीं पे भोले करो निवास।
से सुनी प्रार्थना देव ऋषि की। भीमेश्वर बन करे निवास, भीमेश्वर के दर्शन करके दुख संकट पल में मिट जाए, सात ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर। शिव शक्ति स्त्री पुरुष के दो रूपों को लिया बनाए, निरंकार शिव अकस बाणी से तप करने का हुक्म सुनाए, नर नारी दोनों प्राणी ने विनती प्रभु स्थान बनाए, निरंकार शिव अपने तप से पंचक्रोशी नगर बनाए, बैठ गए हैं विष्णु देव जी। तप करते बीते कई साल, विष्णु जी के तप से भक्तों। तभी उनका सिर हिल जाए, सर हिलने से विष्णु जी के कान से एक मणि गिर जाए, मणि गिरने से तीर्थ बना है। मणिकर्णिका नाम पड़ जाए, पांच कोस के पूरे जल को शिव त्रिशूल में लिया समाए, सो गए उस पर विष्णु देव जी। कमल नाल ब्रह्मा प्रगटाए, ब्रह्मा जी कर सृष्टि की रचना। पंचक्रोशी नगर अलग रह जाए, उसी नगर में खुद शिव जी ने करते सदा निवास, विश्वनाथ के दर्शन से ही कट जाते हैं सारे पाप, आठ ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर। जिसकी महिमा बड़ी महान, एक समय महर्षि गौतम को गौहत्या का लगाया पाप, सारे ऋषि अपमानित करते। गौतम के मन दुख संताप, पाप से मुक्ति पाने ऋषिवर। शिव जी का नित करते ध्यान, हो प्रसन्न शिव शंकर प्रगटे। मन चाहा बरदान, गौतम ऋषि फिर गंगा जल से गौहत्या का पाप धुलाए, गौतम का पाप धो करके गंगा स्वर्ग जाने का किया विचार। तब शिव जी बोले गंगा से, कलयुग के अंत तक करो निवास, तब बोली गंगा शिव जी से।
धरती पे करो निवास, विनती सुन गंगा की शिव जी। पार्वती संग करे निवास, पाप मुक्त हो जाते हैं वो, जो करते गंगा स्नान, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन से मिट जाते हैं दुख संताप, वैद्यनाथ नोबा ज्योतिर्लिंग। सुनो कथा ये ध्यान लगाए, लंका पति रावण तप करता, गढ़ पर्वत कैलाश में जाए, घोर तपस्या की रावण ने। शंकर को दिए चढ़ाए, नौ सिर चढ़ा दिए रावण ने, दसवे में प्रकट है भोलेनाथ, नौ सिर को फिर जोड़े शिव जी। बोलो मांग लो अब वरदान, तब रावण बोला शिव जी से, सुनो विनय है भोलेनाथ, अपने साथ ले जाना चाहूं, तुम लंका में करो निवास, भोलेनाथ प्रभु शिव शंकर ने रावण की बिना स्वीकार, भोलेनाथ बोले रावण से। लघु शंका को चल जाए, गोप संभाल न पाया शिवलिंग, वही धरन में दिया जमाए, शिव जी हो गए वही पर स्थित। वैद्यनाथेश्वर नाम कहाए, वैद्यनाथ के दर्शन से ही सुख संपत्ति की रति मिल जाए, दसवा ज्योतिर्लिंग नागेश्वर। दारुक करे निवास, दारुक के उत्पात से ऋषिगण पहुँचे और मुनि के पास, करी वंदना ऋषिगणों ने, सारा हाल दिया बतलाए, और ऋषि ने राक्षसों को श्राप दिया, होने का विनाश, देवताओं से हुई लड़ाई, सारे दैत्य गए घबराए, दारुका थी अति बलशाली, पार्वती से लई वरदान, बन को उठा ले गई दारुका। मुनियों को पकड़ ले जाए, एक बार दुष्ट दानव ने भक्त सुप्रिय को बंदी बनाए, भक्त सुप्रिय बिना पूजन के अनजल ग्रहण करता है ना, बैठ जेल में शिव शंकर की, नित करता पूजन और ध्यान,
ठोकर लगी तो उसे मारने हुआ तैयार। उसी समय प्रगटे शिव शंकर, दुष्टों को क्षण मार गिराए। उसी समय शिव पार्वती ने आज सफल हो जाए। ग्यारह बजो तिरलिंग रामेश्वर, कथा सुनो ये ध्यान लगाए। श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता जी की खोज में जाए। भटक रहे थे जंगल जंगल, वही सुग्रीव उन्हें मिल जाए। हनुमान श्री राम के सेवक, सीता जी का पता लगाए। श्री राम बानर सेना संग, समुद्र किनारे पहुँचे जाए। समुद्र पार करने की चिंता जन का आया ध्यान। वही बनाया है शिवलिंग को श्री राम। करे पूजन ध्यान शिव जी से, फिर करे प्रार्थना भोलेनाथ प्रकट हो जाए। श्री राम ने किया दंडवत, प्रसन्न हुए हैं भोलेनाथ। बोले भगवान श्री राम से, मन चाहा मांगो वरदान। श्री राम बोले भोले से, यही कीजिए आप निवास। वरदान दिया है शिव शंकर ने। मोक्ष प्राप्त हो जाए। पार बजो तिरलिंग घुस्मेश्वर, कथा सुनो ये ध्यान लगाए। वेद का ज्ञाता एक था ब्राह्मण, सुधर्मा था जिसका नाम। पति प्रता सुंदर थी पत्नी, सुदेहा की नहीं संतान। सखी सहेली बांझन कहती, भारी सहती है अपमान। कहे सुदेहा अपने पति से, दूजा ब्याह रचा लो नाथ। ना माने सुधर्मा ब्राह्मण। माँ बहन से ब्याह रचा दिया बचन दोनों पत्नी ने। द्वेष नहीं रखेंगे नाथ, घुसमा पुत्रवती होती है। घर में खुशियाँ भई अपार। घुसमा और सुधर्मा दोनों करत सुदेहा का सम्मान। सुदेहा के मन ईर्ष्या आई, मन में उसके छाया पाप। मार दिया सोते बालक को, फेंक दिया ले जाके तलाव। इधर उधर ढूंढे बालक को।
शिव जी की। करती है पूजन और ध्यान जाकर वह तालाब किनारे, शिव जी का करती है ध्यान पूजन करके जैसे ही लौटी, पुत्र खड़ा वहीं मिल जाए प्रसन्न हुए हैं भोले बाबा। पाप सुदेहा का बतलाए उसे मारने दौड़े भोले, बोली घुसमा जोड़ के हाथ प्रसन्न अगर हो मुझ पे प्रभु जी, क्षमा करो हे भोले नाथ विनय हमारी है त्रिपुरारी। घुसमेश्वर बन बैठे नाथ घुसमेश्वर के दर्शन करके, बिगड़े काज सफल हो जाए भोले नाथ की महिमा भारी। जाने ये सारा संसार कथा सुनी जो तुम्हें सुनाए, भूल चूक कर देना माफ रघुवीर की है ये विनती, करना क्षमा मेरे अपराध रघुवीर की है।